पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पार्ट टू हमने स्टार्ट किया है विराज भाई के यहाँ। हमने आगे वाली कॉलोनी दिखाई जिसमें बहुत सारे होगोरोमो की ब्रीडिंग और प्रोग्रेस और ब्लड लाइन समझाई। आज हम होलैंड बजीज के ऊपर बात करेंगे और आपको ऐसे ऐसे होलैंड बजीज की ब्रीडिंग प्रोग्रेस और ब्लड लाइन के बारे में बताएंगे। ये जो सब बोलते हैं ना, जो लेफ्विंग, ये लेफ्विंग बच्चा अभी नेस्ट आउट नहीं हुआ है। देखो बच्चा बाहर बैठा है और ये भी उसका भाई है, ये उसका भाई है और एक लेफ्विंग बच्चा इधर है और दूसरा बच्चा मैं आपको दिखाता हूँ। इसका आप क्वालिटी देखो, क्या क्वालिटी है, क्या साइज है। ये उसका मदर, ये फादर है, ये मदर है और ये इसकी साइज़ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या साइज़ है इसका। देखो ये साइज़ के ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्वालिटी आगे जाके बनेगा। ये दोनों लेफ्टिंग के बर्ड है। ये अपना होम ब्रीड है दोनों बर्ड। देखो एक का मांस थोड़ा छोटा है लेकिन उसकी ब्लड लाइन बहुत अच्छी है। मांस छोटा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसके बच्चे आएंगे वो इससे भी टक्कर मारेंगे इसके बाप को, क्योंकि फीमेल है वो एलन लाइन की है, उससे प्रोड्यूस हुआ है वो। अभी नेस्ट आउट हुआ है और एक बच्चा अंदर भी है। देखो ये भी हमारा ओमब्रीड ही है गोल्डन सेक्स का। इसका भी अभी प्रोग्रेस शॉर्ट टाइम में आ जाएगा। इसको भी हमने ओमब्रीड की फीमेल ग्रे कलर की डाली है तो इससे क्या है, ग्रे कलर के अंदर भी गोल्डन सेक्स निकलेगा, नॉर्मल मार्किंग का भी बर्ड निकलेगा इसके अंदर से। ये भी हमारी 100 बजरी की वर्किंग है। आप देख सकते हो उसका क्राउन कैसा है, इसके बर्ड की ब्रॉडनेस देख सकते हो आप। ये बर्ड है ना, ये बर्ड फेलो है, फर्स्ट वाला बर्ड फेलो है और ये बर्ड हमारा चैम्पियन लाइन का ही बर्ड है। तो हम क्या है, अभी फेलो को इसके साथ क्रॉस करके हम फेलो होगोरोमो, इंग्लिश फेलो होगोरोमो की वर्किंग की तरफ जा रहे हैं नॉर्मल मार्किंग में। तो इससे हमने ये बर्ड के डालने से इसके स्प्लिट निकलेंगे, फेलो के भी स्प्लिट हो जाएंगे और होगो के भी स्प्लिट हो जाएंगे। ऑनलाइन चैम्पियन बर्ड था जो वीडियो चैम्पियन था ना उसका है। तो इसके साथ में हमने अल्बिनो की फीमेल लगाई है तो ये स्प्लिट इनों बच्चे निकालेगा। तो देखो अभी इसका आ गया है, इसके देखो दो बच्चे, हाँ दो बच्चे निकले हैं, दोनों ग्रे है। ये दोनों ग्रे बच्चे निकले हैं, ये इसके ही है। ये क्या है, अभी स्प्लिट इनों हो गए। इसके बाद क्या है, ये इसको फिर से हम जब डालेंगे तब ये फिर से अल्बिनो बच्चा निकालेंगे। और हमने दो बच्चे इसको फोस्टर किए, देखो आप इंग्लिश होगोरोमो के फोस्टर बच्चे इसके नीचे साइज देख सकते हो आप इसका। आप ये बर्ड देखो, दोनों में सेम फेदर है, आप देख सकते हो दोनों का साइज। तो ये अभी जब हम इंग्लिश होगोरोमो में जा रहे हैं तो उसका ये साइज है। ये बर्ड भी है ना, ये लेफ्टिंग का स्प्लिट है, हमने इसको लेफ्टिंग की फीमेल दी है, गोल्डन लेफ्टिंग की फीमेल दी है। ये फिर से प्रोड्यूस हमारे पास गोल्डन लेफ्टिंग करेगा और लेफ्टिंग भी करेगा और वाइट लेफ्टिंग भी करेगा। ये हमारे पास एक ब्लैक विंग आया था, ब्लैक विंग में से हमने इसको नॉर्मल मार्किंग का बर्ड दिया तो ये ब्लैक फेस टाइप का बच्चा निकाला है। आगे हम देखेंगे इसको टेस्ट ब्रीड करके, जब ब्लैक फेस या ब्लैक विंग डालेंगे तो पता चल जाएगा कि ये ब्लैक फेस का स्प्लिट है या नहीं है। इसका मिलेनियन बहुत अच्छा आया है, ब्लैक मास्किंग ज़्यादा है इसका, तो वो पता चल जाएगा। ये देखो ये स्पेंडल का पैर है, एक बच्चा उसका है और एक बच्चा हमने फोस्टर किया है। ये बच्चा हमने फोस्टर किया, इसका साइज देख सकते हो आप।
इसके तीन बच्चे निकले, इसमें ये फोस्टर किया हुआ है और ये इसका ही है, ये स्पेंगल निकलेगा और ये दो अपलाइन है। ये मेल है ना, वो रिसेसिव पाइट है और एकदम रेयर कलर का मेल है। ये हमारे एक दोस्त ने हमें भेजा है बाहर से, बोले भाई आप इसका ब्रीड करवाओ, इसका ये हमने अभी खड़ा किया है, अभी उसको शॉर्ट टाइम में इसको फीमेल देंगे। पेस्टलिनो ऑफलाइन है, ये लुटिनो का भी स्प्लिट है और पेस्टलिनो है। इसके देखो दो बच्चे, एक बच्चा अंदर है और एक बच्चा अभी हमारी गलती से बाहर निकल गया। देखो वो बच्चा है, ये वाला बच्चा है जो ज़्यादा उड़ रहा है ना, वो इसका मास्किंग देखो, मास्किंग की क्वालिटी देखो, आपको पता चल जाएगा कि क्या बर्ड है। रेड उड़ देखो इसका, ये है अल्बिनो ऑफलाइन और ये है पार्ब्लू ऑफलाइन इनो। मतलब वो सब बोलते हैं कि भाई अल्बिनो ऑफलाइन का पता नहीं चलता, तो ये क्या है कि हमारा खुद का घर का ही पेड़ है, जो इसका फादर है ना वो पार्ब्लू ऑफलाइन इनो है और मदर है ना वो है अपनी पार्ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट इनो। तो उसके अंदर से ये पार्ब्लू ऑफलाइन इनो एक निकला है और एक अल्बिनो ऑफलाइन निकला है। यहाँ के लिए ना फोकस मारो, यहाँ आगे की पाछा की मजा आई। ये अपना इंग्लिश, ये है अपना इंग्लिश वर्किंग का सिनामन मेल और इसको हमने नॉर्मल ऑफलाइन की ग्रीन की फीमेल दी है। तो ये क्या है, हमारा इंग्लिश ओगोरोमो का वर्किंग है, जिससे हम इंग्लिश ओगोरोमो की तरफ जा सकते हो और आप इसके पेटल की साइज़ क्वालिटी और साइज देख सकते हो। ये है अपनी फेलो की वर्किंग, फेलो ओगोरोमो की वर्किंग है, फेलो का मेल है और फेलो स्प्लिट की ओगोरोमो की फीमेल है। इससे क्या है कि फेलो ओगोरोमो निकलेगा इसके अंदर से। ये फर्स्ट मोल्ड का बेबी है ऑफलाइन ग्रीन का, ये भी स्प्लिट इनो है, लेस्लिन का भी स्प्लिट है, स्प्लिट इनो है, इसके मदर फादर में लेस्लिन है। तो ये आगे जाके क्या है, इसका हम लेस्लिन बनाने में ये यूज़ करेंगे। और ये भी इसकी सिस्टर है, देखो ये उसकी सिस्टर है सिनामन, ये सिनामन सिस्टर है इसकी, उसकी साइज देखो आप, ये भी फर्स्ट मोल्ड है। तो माफ़ी चाहता हूँ, हर केज को आपको नहीं दिखा सकता बिकॉज बहुत सारे बर्ड्स हैं और बहुत सारे म्यूटेशन। 600 बजीज को देखना इजी बात नहीं है और कलर इतने सारे हैं, तो हमने हो सका उतने बजीज के कलर दिखाए, म्यूटेशन के बारे में विराज भाई ने बताया तो हो सका उतना कवर किया होगोरोमो और होलैंड का। तो आज ये विराज भाई के एपिसोड की सीरीज दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी सारे वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो विराज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी। अरे हम तो शुक्रिया तो आपका हम अदा करना चाहते हैं क्योंकि आप इतने दूर से इतना टाइम निकाल के हमारे पास अज्जू भाई आए हो और नेक्स्ट टाइम आप जल्दी आओगे, वो भी हमें मालूम है कि भाई अभी एक नशा है जी, ये जो बर्ड है ना वो नशा है कि भाई कुछ नया सबको देखना है, तो हम हर टाइम पे आपको कुछ नया देंगे। सही बात है, और तो आप कभी भी आओ, आपके लिए वेलकम है आपकी पूरी टीम। और भावनगर से भी जो हमारे रिजवान भाई आए हैं, नयन भाई है, उसको भी हम वेलकम करते हैं। भावनगर की टीम को भी बोलते हैं कि भाई आप जल्द से जल्द आओ, बहुत टाइम हो गया नहीं मिले। तो उसको भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भावनगर वाले भी सब लोग एक बार जरूर विजिट करें जी। ये मोहब्बत है कि दो शहरों के बीच में दोस्तों। और एक बात और है कि देखो मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन कोई ऐसा कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरा नंबर है उसमें, वो मेरे को फ़ोन कर सकते हैं और कुछ जानकारी ले सकते हैं। बर्ड तो बिकना और बर्ड नहीं बिकना वो कोई बात नहीं है, लेकिन वो जानकारी भी ले सकते हैं। तो आपका नंबर बता दीजिए, 9992225। और मैं गुजराती में भी बोलता हूँ कि 9998222255 हमारो नंबर है बराबर। गमे त्यारे आपणे रात्रे 11 વાગ્યા સુધી તમે ગમે ત્યારે ફોન કરો, સવારે 9 વાગ્યાથી 11 વાગ્યા કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना, उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आया, पसंद आया चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अज्जू भाई का चैनल भाई ग्रो करो फिर से, सबको बोलता हूँ मैं, और थोड़ा इनका ध्यान दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। लाइक करने में क्या है, कुछ
इनको मोटिवेशन मिलता है जी, जी। और कुछ शेयर करोगे कि दूसरे लोग के पास भी वीडियो पहुंचेगा, कोई और भी इससे थोड़ा बहुत भी, और मैं बोलता हूँ कि मैंने इतना सिखाया, उसमें से एक भी बात किसी ने कैचअप कर ली और उसको फायदा हो रहा है तो बहुत अच्छा है। सही बात है। तो आप शेयर करो वीडियो को, सब्सक्राइब भी करो और अज्जू भाई के चैनल को थोड़ा भाई ऊपर लेके आओ। आपको पता है इनका एक बहुत बड़ा चैनल था, वो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम के हिसाब से वो चला गया है, तो थोड़ा ग्रो करने में आप मदद करो, क्योंकि अज्जू भाई भी इतने दूर से आते हैं तो इतना उसको भी खर्चा होता है, उस तो हमारा भी फर्ज बनता है कि भाई हम उनके थोड़ा सपोर्ट करें जी। तो सब लोग इसको क्या है कि थोड़ा शेयर करो। ज़रूर दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया विराज भाई आपका ये उत्साह बढ़ाने के लिए। और ये दोस्तों 25,000 की फैमिली को फिर से जल्दी से लाख कर दीजिए। हाँ। जैसा विराज भाई ने बताया। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में।